नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे थे, चैप्टर 4, जिसमें आज हम इससे पिछले सेशन में जनरली हमने डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन ग्रुप और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप का अध्ययन कर लिया था। क्योंकि जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हमने सारे जो भी इंस्ट्रक्शन सेट 8T5 का, उसे हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफ़र करने के काम में आते हैं उनको डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में रख दिया, जो भी इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको अर्थमेटिक ग्रुप में प्लेस किया गया है। इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शन लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। तो आज हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अध्ययन करेंगे। इन इंस्ट्रक्शन ग्रुप को हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहला पार्ट इसका अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप में जनरली इन दिस ग्रुप सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जिस्ट दोज आर यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंदर वो सभी इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या क्या होता है, जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सओर ऑपरेशन, ठीक है, जो भी आपने गेट्स पढ़े थे उन गेट के माध्यम से जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशन हमारा लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंदर स्टडी करते हैं। तो इससे पहले इसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एंडिंग, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन आपने पढ़ा, तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर हम दो हमारे पास 8-bit के नंबर हैं उनका हमें एंडिंग करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है ANAR, दैट मीन्स एंडिंग द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर। जिस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो इंस्ट्रक्शंस होते थे वो जनरली एक्यूमलेटर के साथ परफॉर्म होते थे, इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेशन भी एक्यूमलेटर के साथ परफॉर्म होते हैं। अगर दो बाइट के साथ में अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें से एक बाइट जो है वो एक्यूमलेटर में जरूर होगी, और इसके साथ साथ जो रिजल्ट आता है वो भी एक्यूमलेटर में स्टोर होता है। तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम किसी रजिस्टर आर में स्टोर 8-bit के नंबर, 1-byte के नंबर को एक्यूमलेटर के साथ में जो स्टोर नंबर है उसके साथ हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैसे, जैसे हमने लिखा ANAB, दैट मींस द कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर विल बी एंडेड विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी। आर की जगह पर हमने बी यूज़ किया है तो हम ए एंडिंग बी, ये हम सिंबल दिखाएंगे, यानी ए के कंटेंट की एंडिंग होगी बी के कंटेंट के साथ में, और इनकी एंडिंग के बाद जो भी ऑपरेशन, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमलेटर। तो इस तरह से हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं ANAR, यानी तो एक रजिस्टर में जो डेटा है उसकी एंडिंग एक्यूमलेटर के साथ हम परफॉर्म करते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास लॉजिकल होता है दैट इज ANAM। पहले हमने रजिस्टर के साथ में एक एक्यूमलेटर और एक दूसरे रजिस्टर में डेटा स्टोर था, उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था। अब हम एक एक्यूमलेटर में और दूसरा किसी मेमोरी लोकेशन पर अगर डेटा स्टोर है तो उसमें हम कैसे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है ANAM, दैट मीन्स एंडिंग द कंटेंट ऑफ एम, यानी मेमोरी लोकेशन पर जो कंटेंट है, कौन सी मेमोरी लोकेशन, जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर है, उस मेमोरी लोकेशन के साथ, उस मेमोरी लोकेशन का हम एक्यूमलेटर के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए अगर हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ANAM। तो ये क्या करेगा, ए के कंटेंट का एम के कंटेंट के साथ में एंड ऑपरेशन। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, कैप जो देख रहे हैं अपर साइड में इसका एरो है, ये कैप जो है एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, दिस इज शोइंग द एंड ऑपरेशन। यानी इसका, इस कैप को जो आप देख रहे हैं, इस कैप का मतलब होता है एंड ऑपरेशन, दैट मीन्स एंड ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। दूसरा हमारे पास होता है, अभी हमने जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, या तो हमने एक्यूमलेटर में जो डेटा है उसका और किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर डेटा के साथ में, या किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर डेटा के साथ में हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तीसरा जो हमारे पास ऑपरेशन हो सकता है कि हम एक्यूमलेटर के अंदर जो स्टोर डेटा उसकी एंडिंग करें हम इमीडिएट डेटा के साथ में, यानी जो डेटा हमारे पास में है, ठीक है, तो एंडिंग इमीडिएट डेटा विद कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर, यानी इसकी, इसमें क्या होगा, जो इमीडिएट डेटा है उसकी एंडिंग होगी
एक्यूमेट हो जाए, जैसे हमने लिखा ए एन आई 05H, तो इसका मतलब क्या है, ए में जो कंटेंट है उसकी 05H के कंटेंट के साथ में एंडिंग ऑफ एंड ऑपरेशन होगा और दोनों का जो रिजल्ट आएगा एंड ऑपरेशन बाद वो एक्यूमलेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एंड ऑपरेशन। तो ये तीन इंस्ट्रक्शन हमने एंड ऑपरेशन के लिए पढ़े। अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक नंबर है कोई 8 बिट का जो एक्यूमलेटर में है या बी में है, जैसे पहला इंस्ट्रक्शन हमने बी के साथ में लिया था, तो सपोज बी में हमारे पास जो डेटा है वो 1111001, ये कोई 8 बिट का डेटा है, 1 बाइट का डेटा है जो बी रजिस्टर के अंदर स्टोर है, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी। दूसरा जो कंटेंट था हमारे पास वो कंटेंट है हमारा एक्यूमलेटर का, कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर। सपोज एक्यूमलेटर में जो डेटा स्टोर है वो है 01101010। जब इन दोनों डेटा का बी रजिस्टर के कंटेंट का एक्यूमलेटर के कंटेंट के साथ में जब एंड ऑपरेशन होगा, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा कि रजिस्टर बी का पहला बिट एक्यूमलेटर के पहले बिट के साथ में एंडिंग ऑपरेशन होगा। तो अगर किसी एंड पर 1 और 0 जाता है तो रिजल्ट क्या होगा, 0 आएगा। इसी तरह से 01 का भी 0 आएगा, 00 का भी 0 आएगा, 01 का भी 0 आएगा, 10 का भी 0 आएगा और 11, क्योंकि एंड ऑपरेशन में जहां इनपुट दोनों 1 होते हैं तभी आउटपुट 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। तो यहां जो 1 है यहां 1 आएगा, इस 11 पे 1 आएगा, यहां फिर 0 आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आया वो आया 0000110। तो इस एंड ऑपरेशन जो हमने ए एन ए बी लिखा है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा है ए एन ए बी के लिए, दिस इज फॉर ए एन ए बी, यानी एक्यूमलेटर की बी के साथ एंडिंग, जिसमें हमने माना है बी के अंदर एक डेटा है जो हमने कंसीडर किया है और ए के अंदर जो एक्यूमलेटर डेटा है, उन दोनों की एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो हमें रिजल्ट मिला ये वाला। तो आफ्टर दी एंडिंग ऑपरेशन दिस रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन टू दी एक्यूमलेटर। कैसे होगा, देखिए इस तरह से अगर हम देखें तो पहले का 1 बिट ये एंड गेट है, इसका 1 और इसका 0 दोनों 2 इनपुट इस एंड पे जाएंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। इसका 0 इसका 1 आउटपुट 0, इसका 0 इसका 0 आउटपुट 0, इसका 0 इसका 1 आउटपुट 0, इसका 1 इसका 0 आउटपुट 0, इसका 1 इसका 1 आउटपुट 1, इसका 1 इसका 1 आउटपुट 1, ये 1 और 0 आउटपुट 0। तो दिस इज दी कंटेंट ऑफ दी एक्यूमलेटर। तो जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो एंड ऑपरेशन का जो परफॉर्म है वो इस तरह से हमने एक डायग्राम के थ्रू गेट के माध्यम से भी हमने इसको कर लिया। जो ट्रुथ टेबल आपने प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा उसके अंतर्गत आपने गेट्स को पढ़ा होगा, तब आपने ट्रुथ टेबल पढ़ा होगा कि एंड गेट पर जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तभी आउटपुट 1 होता है, अदरवाइज आउटपुट 0 होता है। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन आता है और इंस्ट्रक्शन, दैट इज अ और इंस्ट्रक्शन। तो और इंस्ट्रक्शन भी जैसे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो दिस इज ऑरिंग द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर। अगर हम एक्यूमलेटर की कंटेंट की और रजिस्टर आर के कंटेंट के साथ में अगर ऑरिंग कर देते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो एक्यूमलेटर के अंदर स्टोर हो जाता है, जैसे हमने लिखा ओ आर ए बी। तो इसका मतलब क्या है, ए का कंटेंट और बी का कंटेंट दोनों की ऑरिंग होगी, ऑरिंग होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो और गेट के लिए जो सिंबल होता है ऑरिंग के लिए ये होता है, दिस इज फॉर ऑरिंग, ये ऑरिंग के लिए होता है, दिस इज फॉर ऑरिंग, और गेट परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से मेमोरी लोकेशन के साथ में भी कर सकते हैं, अभी हमने रजिस्टर के साथ में डेटा स्टोर था 2 रजिस्टर में, एक्यूमलेटर और 1 रजिस्टर में, अब हम एक्यूमलेटर और मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर है उनकी ऑरिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑरिंग द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर, इसका एक्यूमलेटर के साथ करेंगे तो इंस्ट्रक्शन क्या लिख सकते हैं हम, ओ आर ए एम, इसका मतलब क्या, ए का कंटेंट और एम का कंटेंट, यानी मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट और ए का कंटेंट की ऑरिंग होगी, है ना, वी सिंबल बना दिया है हमने कैप डाउन साइड में, एरो डाउन साइड में। तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, एक्यूमलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जैसे हमने ए एन ए आर ए एन ए एम यूज किया था, वैसे ही ओ आर ए आर और ओ आर ए एम यूज कर रहे हैं सेम। सो दिस इज फॉर दी ऑरिंग ऑपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी दोस्त अगर चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।